हेलो एवरीवन, स्किन डिजाइनर में आप सभी का स्वागत है। आप जो स्किन पे छकली पेटीकोट देख रहे हैं उसी के कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे। अब पूरा वीडियो देखेंगे बिना वीडियो के स्किप के, तो स्टेप बाय स्टेप छकली पेटीकोट की कटिंग और स्टिचिंग एक बार में एकदम इजी तरीके से सीख जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 2 मीटर का कपड़ा ले लें, कपड़े को अच्छी तरीके से फैला लेना है, फैला के अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। सेट करके कपड़े को डबल फोल्ड में रख लेना है। ये देख लीजिए, इस तरीके से ऊपर की तरफ से कपड़ा घट बढ़ है, तो यहाँ पर एक सीधा निशान लगा लेना है। यहाँ पर देख लीजिए निशान लग चुका है, जहाँ से निशान लगा है वहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके निकाल देना है। अब यहाँ पर मैं कमर पट्टी के लिए निशान लगा लेना है 6 इंच पे, 5 इंच हमारा फिटिंग आएगा, आधा इंच ऊपर की तरफ से सिलाई मार्जिन, आधा इंच नीचे की तरफ से, इस निशान को इस तरह से मिला लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए निशान लग चुका है, जैसे कि हमारा कमर है यहाँ पर 28 इंच, तो यहाँ पर इसके आधे पे में 14 इंच पे निशान लगा लेना है, 3 इंच इसमें हम लूजिंग डाल देंगे, तो यहाँ पर 17 इंच टोटल आ जाएगा। ये देख लीजिए इस तरीके से, जहाँ से निशान लगाए वहाँ से कमर पट्टी को कटिंग करके निकाल देना है। अब हम कमर पट्टी को फैला के दिखा देते हैं। ये देख लीजिए इस तरीके से, तो कमर पट्टी को बगल में रख लेना है। यहाँ पर कपड़े को अच्छी तरीके से फैला लेना, फैला के डबल फोल्ड में रख लेना है। यहाँ पर 1.5 इंच पे निशान लगा लेना है। तो इसमें 2 पीस निकलेगा, क्योंकि एक जो घेरे की पट्टी निकल जाएगी, एक डोरी निकल जाएगी। तो यहाँ पर 1 इंच कटिंग कर देना है, इसे हमें इस तरह से फाड़ लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए फट चुका है और 2 पीस निकल चुका है, एक घेरे की पट्टी हो चुका है, एक डोरी हो चुका है। इस पार्ट को बगल में रख लेना है। यहाँ पर कपड़े को 4 फोल्ड में रख लेना है। ये देख लीजिए इस तरीके से, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ से हमें 2.5 इंच निकाल देना है कमर पट्टी जो है। और यहाँ पर देख लीजिए 38 इंच इसकी लंबाई है और चौड़ाई है यहाँ पर 16.5 इंच। 5 इंच पे इस तरफ से निशान लगा लेना है, आधा इंच सिलाई मार्जिन। ये देख लीजिए इस तरीके से, सेम इसी तरीके से मैं नीचे की तरफ से भी 5 इंच फिटिंग पे निशान लगा लेना है, आधा इंच सिलाई मार्जिन, इस निशान को इस निशान से मिला लेना है। जहां से निशान लगाए हैं वहां से मैं कटिंग कर देना है। तो यहाँ पर देख लीजिए कटिंग हो चुका है। एक कली को बगल में रख लेना है। यहाँ पर एक कली ले लिए, दोनों कली एक में ज्वाइन लेते हैं, यहाँ पर कटिंग करके अलग कर लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए अलग हो चुका है, इसमें हमारा 4 कली था। अब जो बगल में कली रखे थे उसे ले लेना है, यहाँ पर भी कटिंग करके अलग कर लेना है। यहाँ पर देख लीजिए इसमें 2 कली, बड़ी कली हमारा 2 है और छोटी कली हमारी 4 है। एक बार हम आपको फिर से दिखा देते हैं, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, टोटल हमारी 6 कली कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर देख लीजिए हम डोरी और कमर पट्टी ले लिए, तो यहाँ पर 6 कली पेटीकोट की कटिंग एकदम कंप्लीट तैयार हो चुकी है। चलिए हम स्टिचिंग बताते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए हम बड़ी कली ले लिए हैं। अब बड़ी वाली कली के ऊपर में छोटी वाली कली को रखकर अच्छी तरीके से सेट करके यहाँ पर सिलाई लगा लेना है। सेम इसी तरीके से नीचे तक सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए सिलाई लग चुका है, पहली कली हमारी ज्वाइंट हो चुका है। ये देख लीजिए इस तरीके से, एक ऊपर की तरफ से कली ज्वाइंट होती है, एक नीचे की तरफ से। तो यहाँ पर देख लीजिए नीचे की तरफ से हम छोटी वाली कली को रखकर, ऊपर की तरफ से बड़ी वाली कली को रखकर अच्छी तरीके से सेट करके यहाँ पर सिलाई लगा लेना है, सेम उसी तरीके से। तो यहाँ पर देख लीजिए सिलाई लग चुका है, 3 कली हमारा ज्वाइंट हो चुका है। सेम इसी तरीके से 3 कली हमें और ज्वाइंट कर लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए छोटी वाली कली के ऊपर हमें छोटी वाली कली को रखकर अच्छी तरीके से सेट करके सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए सिलाई लग चुका है, यहाँ पर हमारी 4थी कली भी ज्वाइंट हो चुका है। अब हम छोटी वाली कली के ऊपर बड़ी वाली कली को रखकर अच्छी तरीके से सेट करके यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए सिलाई लग चुका है, ये हमारी 5वीं कली था। अब हम बड़ी वाली कली के ऊपर छोटी वाली कली को रखकर सेम उसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। ये देख लीजिए इस तरीके से, ये हमारी लास्ट कली है 6वीं। तो
यहाँ पर देख लीजिए कली कंप्लीट हो चुकी है। हम इसे आपको फैला के दिखा देते हैं। ये देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर देख लीजिए एक तरफ से इस तरह से हमें डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेना है 4 से 5 इंच तक। तो यहाँ पर देख लीजिए सिलाई लग चुका है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ से भी सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए दूसरी तरफ से भी सिलाई लग चुका है, ये देख लीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पर देख लीजिए हम कमर पट्टी ले लिए हैं। अब इसके ऊपर रख कर अच्छी तरीके से सेट करके यहाँ पर सिलाई लगा लेना है। हमें बड़ी वाली कली के ऊपर प्लेट लगाना है, छोटी वाली कली में प्लेट नहीं लगाना है, वो भी ज्यादा नहीं लगाना है, 1 इंच का प्लेट लगाना है। तो सेम इसी तरीके से पूरे कमर पट्टी पर सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए सिलाई लग चुका है, धागे को कटिंग कर देना है। यहाँ पर इस तरह से फैला लेना है। ऊपर की तरफ से हमें 1/2 इंच फोल्ड कर लेना है और कमर पट्टी को ऊपर रखकर अच्छी तरीके से सेट करके यहाँ पर सिलाई लगा लेना है, ये देख लीजिए इस तरीके से। तो सेम इसी तरीके से पूरे कमर पट्टी पर सिलाई लगा लेना है, ये देख लीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पर देख लीजिए सिलाई लग चुका है। सेम इसी तरीके से एक और सिलाई लगा लेना है 1/2 इंच छोड़ते हुए। तो यहाँ पर देख लीजिए दूसरी तरफ से भी सिलाई लग चुका है और कमर पट्टी एकदम कंप्लीट तैयार हो चुका है। अब हम पेटीकोट को ज्वाइंट कर देंगे, ये देख लीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पर देख लीजिए सिलाई लग चुका है। अब इसे हमें सीधा करके फोल्ड कर लेना है, ये देख लीजिए इस तरीके से। नीचे की तरफ से जितना घट बढ़े आप पर सीधा एक निशान लगा लेंगे, ये देख लीजिए यहाँ पर। अब जहाँ से निशान लगाया वहाँ से स्टक कपड़े को कटिंग करके निकाल देना है। तो यहाँ पर देख लीजिए हम कटिंग करके निकाल दिए हैं। अब इसे हम आपको फैला के दिखा देते हैं, एक बराबर आ गया है, ये देख लीजिए इस तरीके से। अब इसके ऊपर में पट्टी को रखकर अच्छी तरीके से सेट करके यहाँ पर सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए सेम इसी तरीके से पूरे घेरे पे हमें पट्टी के ऊपर सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारा पट्टी थोड़ा छोटा पड़ गया है, तो जो डोरी वाला पट्टी है उसमें से हम निकाल लेंगे 2 से 3 इंच, ये देख लीजिए इस तरीके से। अब यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करते हुए इस तरह से हमें बैठा लेना है सेम उसी तरीके से पट्टी। तो यहाँ पर देख लीजिए हमें सिलाई लग चुका है पट्टी के ऊपर, पूरे घेरे पर हमारा पट्टी बैठ चुका है। अब यहाँ पर इस तरीके से नाखून से प्रेस कर देना है और उसके ऊपर से हमें इस तरह से सिलाई लगा लेना है। जो पट्टी है उसको अंदर की तरफ रख देना है और ऊपर की तरफ से यहाँ पर सिलाई लगा लेना है। तो सेम इसी तरीके से पूरे पट्टी के ऊपर सिलाई लगा लेना है।
तो यहाँ पर देख लीजिए सिलाई लग चुका है। अब हमें पेटीकोट को उल्टा कर लेना है। ये देख लीजिए इस तरीके से आप पट्टी के इस तरफ से हमें सिलाई लगा लेना है। तो हमें पूरे घेरे पे सेम इसी तरीके से सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पर सिलाई लग चुका है, धागे को कटिंग कर देना है। अब पेटीकोट को सीधा रख लेना है, ये देख लीजिए इस तरीके से। अब यहाँ पर पट्टी पे हमें राउंड राउंड पे सिलाई लगा लेना है, ये देख लीजिए इस तरीके से, दोनों सिलाई के अंदर ही। तो सेम इसी तरीके से एक और सिलाई लगा लेना है, उससे डिजाइन बनने लगेगा, देख लीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पर सिलाई लग चुका है, पेटीकोट हमारा एकदम कंप्लीट तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर देख लीजिए हम डोरी के लिए कपड़ा ले लिए, दोनों तरफ से फोल्ड कर लेना है, बीच में एक और फोल्ड करके अच्छी तरीके से सेट करके यहाँ पर सिलाई लगा लेना है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, नए चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें। समझ में आया हो पेटीकोट की कटिंग और स्टिचिंग तो भी कमेंट करके बताइए, नहीं समझ में आया तो भी कमेंट करके बताइए। तो सेम इसी तरीके से डोरी को पूरा बना लेना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।